वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से आए हैं एक नई सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ अवेलेबल हैं इंद्रजीत, जो कि अमृतसर से आए हैं अपना स्टडी वीज़ा रिसीव करने के लिए। इंद्रजीत का लातविया का स्टडी वीज़ा आया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन इंद्रजीत। थैंक यू मैम। सो इंद्रजीत, इंडो यूरोपियन को कैसे कॉन्टैक्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कज़न ब्रदर था जिन्होंने मुझे रेफरेंस किया इंडो यूरोपियन अमृतसर ब्रांच का, तो मैंने वहाँ पर विजिट किया। शिवानी मैम ने मेरे साथ डीलिंग अच्छी तरह से की और मुझे भी बेनिफिट लगा, तो मैंने के अपना केस अप्लाई कर दिया उनसे ताकि मेरा वीज़ा लेट ना हो। ठीक है, तो कज़न ब्रदर के थ्रू रेफरेंस मिला। yes, तभी आपने अप्लाई किया। और विच यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड इन लातविया? आई हैव अप्लाइड इन तुरीबा यूनिवर्सिटी एंड माय कोर्स इज बैचलर इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सो लाइक व्हाई यू हैव चूजन ओनली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म? Well, I have chosen this course because I have studied in hospitality field, so I want to pursue in the same field. And with international degree, I will get more benefit while come back to India. So I choose Tourabha University and this course. All right, that's good. So अभी आपने बताया कि cousin brother के through reference मिला and आपने branch में visit किया। Overall experience की अगर बात करूँ admission से लेके starting onwards visa की, तो कैसा रहा आपका experience? मैम, from admission to end तक तो चलो visa का overall process आपका भी good था, तो मुझे यकीन था कि चलो कि मेरे साथ जो फेक वाला काम नहीं हो रहा है, मेरा वीज़ा आ जाएगा, प्रोसेस मेरा चल रहा है, मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रही। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग भी इंडो यूरोपियन को चूज़ करें ताकि आपका वीज़ा भी आ जाए एंड आपके जो आजकल जो लोग दूसरे एजेंट करते हैं फ्रॉड वाला काम, वो काम नहीं है इनका, बेस्ट काम है इनका। तो मैं इसलिए प्रेफर करूँगा आपको कि आप वीज़ा इनसे अप्लाई करें। ठीक है, सो इंदर क्या आपने किसी और कंट्री के लिए कभी अप्लाई किया था? हाँ, मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करा था, बट मेरा वीज़ा भी आ गया था, बट उन्होंने बाद में मुझे रिफ्यूज़ल दे दी विदाउट एनी रीज़न। इतने मेल भी करे, वेब फॉर्म रेज करे, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। बट हाँ, एंड लास्ट में मैंने 2 साल वेट करा, फिर मैंने इंडो यूरोपियन ब्रांच में विजिट करा एंड मुझे भरोसा दिलाया करके तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। फाइनली आज मेरा वीज़ा आ गया एंड मेरे हाथ में है। सो लास्ट में स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि कैसे अप्लाई करना चाहिए और इंडो यूरोपियन को क्यों चूज़ करना चाहिए? अप्लाई का प्रोसेस तो चलो मैम भी बताते, बट फर्स्ट 5 महीने चलो इंटेक से पहले अप्लाई करो ताकि आपका इस सेम इंटेक में बन जाए काम एंड आपको भी और मैम को भी कोई रिफ्यूजल वगैरह का दिक्कत ना पड़े। सो रिगार्डिंग प्रोसेस की बात करें, जैसे इंदर ने बताया कि ऑन टाइम सारी चीज़ें अप्लाई करने पे आपका सक्सेसफुली वीज़ा आ जाता है, एडमिशन आ जाता है, सारे प्रोसेस यू नो टाइम टू टाइम करने पे आपको भी बेनिफिट है कि आप ऑन टाइम विजिट करते हो और ऑन टाइम अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं इंदर जैसे आपको रेफरेंस मिला, आपने भी आगे किसी को रेफ़र करोगे, तो क्या आपको लगता है कि अब्रॉड स्टडी और जो सिनारियो है, पेपर वर्क होता है या फिर आपने कोई टेस्ट इंटरव्यू दिया था, आपको तैयारी कराई गई थी? यस मैम, मैंने टेस्ट भी इंटरव्यू टेस्ट आया था एंड मेरा जो रिटन टेस्ट भी आया था ऑनलाइन। तो जो आपने ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी वो कैसे करी? मैम, वो मैंने कनिका मैम के साथ क्लासेस ऑनलाइन लगाता रहा जूम मीटिंग पर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, उन्होंने मुझे पूरा डिस्कस करा कैसा प्रोसेस है इंटरव्यू का, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे फुली प्रिपेयर करवाया एंड मैंने क्लियर भी कर लिया था। ठीक है, तो ये काफी एक बड़ी बिग सपोर्ट है कि क्लासेस अटेंड करने में आपको बेनिफिट मिला। क्लासेस में बहुत बेनिफिट है अटेंड करने में। बिल्कुल। और अगर हम बात करें वीजा आने की, तो फाइल सबमिशन के बाद कितना ड्यूरेशन लगा वीजा आने में? फाइल सबमिट के बाद ऑलमोस्ट 10 दिन में वीजा आ गया था, इंटरव्यू के बाद तो चलो 4 दिन में ही आ गया था मेरा वीजा। ओके, तो एम्बेसी में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? एम्बेसी में मुझे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट डिटेल्स वगैरह एंड यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करी है, व्हाई लातविया, लाइक दिस क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू में प्रिपरेशन करी थी मैंने क्लासेस में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका वीज़ा आ गया है फाइनली, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड साथ ही साथ आगे लातविया पहुंचने के बाद भी इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ हेल्प देन इंडो यूरोपियन विल डेफिनेटली हेल्प। यस आई एम श्योर। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस ऑलवेज, कीप सब्सक्राइबर्स। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.